जी कैफोर, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 51 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बल्कि एंड करने जा रहे हैं हम। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ वाला। प्रीवियस लेक्चर में हमने राइट्स के बारे में बात कर ली थी कि पार्टनर्स के आपस के राइट्स क्या हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे ड्यूटीज़। याद रखिए, ये राइट्स और ड्यूटीज़ म्यूचुअल हैं। म्यूचुअल से मुराद पार्टनर्स की एक दूसरे के ऊपर जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं। जो थर्ड पार्टी के हवाले से है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। राइट्स में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने राइट्स कवर किए थे, लेकिन केस स्टडी की असाइनमेंट आपको नहीं दी थी, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन हमें राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों मिक्स टेस्ट हो रहे हैं। तो मैं चाह रहा था पहले ड्यूटीज़ को हम कंप्लीट कर लें, फिर इसके बाद हम राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों की इकट्ठी असाइनमेंट शेयर करेंगे। तो आज की असाइनमेंट नोट कर लीजिए, आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारी बुक में से, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी होम असाइनमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन से, क्वेश्चन नंबर वन से, अच्छा चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, इसको आधा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन से 28 की बजाय 14 कर लेते हैं, 14 कर लेते हैं। कल फिर 15 से ऑनवर्ड आपकी होम असाइनमेंट होगी। लेकिन ये जेन में रखिएगा, कल अगर मैं होम असाइनमेंट आपको बताना भूल भी जाऊँ तो 15 से 28 आपकी कल की होम असाइनमेंट होगी। अब चलते हैं ड्यूटीज़ की तरफ। राइट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? राइट्स एंड ड्यूटीज और पार्टनर में सब कुछ ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट समझ आ गया आपको? अब स्टडी करते हैं ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ पार्टनर्स की दो तरह की है। ड्यूटीज़ को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक वो ड्यूटीज़ जिनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट या मैंडेटरी ड्यूटीज़। ये ऐसी ड्यूटीज़ है जो कि पार्टनर्स की हर सूरत में ड्यूटीज़ रहेंगी, चाहे वो इसको एग्री करें या चाहे ना करें, ये ड्यूटीज़ रहेंगी। और क्वालिफाइड ड्यूटीज़ वो ड्यूटीज़ होती हैं जो कि अगर पार्टनर्स ने एग्री की हैं तो ड्यूटीज़ हैं, और अगर एग्री नहीं किए तो ड्यूटीज़ नहीं है। या इन शॉर्ट, ऐसी ड्यूटीज़ जिनको पार्टनर्स एग्रीमेंट करके एक दूसरे के साथ उनको चेंज कर सकते हैं उन्हें कहते हैं क्वालिफाइड ड्यूटीज़, और ऐसी ड्यूटीज़ जिनको एग्रीमेंट के थ्रू चेंज नहीं किया जा सकता इनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ड्यूटीज़। यानी एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ दुनिया की हर पार्टनरशिप में हर पार्टनर की ड्यूटीज़ लाजमी होंगी, लेकिन क्वालिफाइड ड्यूटीज में भी कुछ पार्टनरशिप के केसेस में पार्टनर्स की ड्यूटीज हों और कुछ में उन्होंने आपस में एग्रीमेंट करके इनको चेंज कर दिया हो। तो ड्यूटीज की दो बड़ी टाइप्स कौन सी हुई? एब्सोल्यूट या मैंडेटरी ड्यूटी, ये लॉ इंपोज करता है ड्यूटीज, और लॉ कहता है कि इनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। और दूसरा क्वालिफाइड ड्यूटीज, जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, कैसे? एग्रीमेंट के जरिए से, एग्रीमेंट के जरिए से। अब ये दोनों टर्म्स ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब वो क्वेश्चन पूछा ना आपसे कि ड्यूटीज बताएं, तो सम टाइम वो मेंशन कर देता है कि मुझे क्वालिफाइड ड्यूटीज बताएं या मुझे एब्सोल्यूट वाली ड्यूटीज बताएं। तो उस सूरत में आपने इनको मिक्स नहीं करना। सबसे पहले ड्यूटीज, तो एब्सोल्यूट या मैंडेटरी ड्यूटीज में क्वालिफाइड ड्यूटीज में फर्क समझ आ गया? क्या फर्क है दोनों में? एब्सोल्यूट ड्यूटीज जो थ्रू एग्रीमेंट चेंज नहीं हो सकती, और क्वालिफाइड ड्यूटीज जो थ्रू एग्रीमेंट चेंज हो सकती है। आगे चलते हैं। पहली ड्यूटी एब्सोल्यूट में, ड्यूटी टू बी लाइबल जॉइंटली एंड सेवरली। जॉइंटली का मतलब क्या है? कि सारे पार्टनर्स लाइबल, ए बी, बी बी, सी बी, डी बी, सारे पार्टनर्स लाइबल है। सेवरली का मतलब क्या है? होल डेट के लिए लाइबल है। यानी पार्टनरशिप की जितनी भी लाइबिलिटी है, सारी की सारी लाइबिलिटी किसी एक पार्टनर से भी रिकवर करवाई जा सकती है। सारी लाइबिलिटी रीपे करने के लिए सारे पार्टनर्स लाइबल है। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देते थे? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यानी हर पार्टनर लायबल है फॉर फुल अमाउंट ऑफ डेट ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा बताइए, एबीसी तीन पार्टनर है, फर्म का टोटल लोन है 6 लाख, क्या बैंक 6 लाख का 6 लाख मिस्टर ए से रिकवर करवा सकता है? बिल्कुल रिकवर करवा सकता है। अच्छा, अगर मिस्टर ए 6 लाख पे कर देता है तो अब मिस्टर ए का कोई राइट है क्या? क्या राइट है? वो बी और सी से इक्वल अमाउंट रिकवर करवाए। यानी बी से कितने रिकवर कराएगा? 2 लाख। सी से कितने रिकवर कराएगा? 2 लाख। ये नहीं कि बी और सी से 3-3 लाख रिकवर करवाए, इसका मतलब उसका अपना तो कोई भी फिर लाइबिलिटी था ना वही, तो वो बी से भी 2 लाख रिकवर करवाएगा, सी से भी, तो सबका बराबर हो जाएगा। लेकिन ये उनकी आपस की एडजस्टमेंट होगी। वो बैंक से ये नहीं कह सकता मिस्टर ए कि 2 लाख मेरे से ले लो और 2 बी और 2 सी से ले लो, ना ना, बैंक से नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। पहला कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट, ड्यूटी टू एक्ट विद इन अथॉरिटी। अच्छा, केस स्टडी के पॉइंट मैं आपको कुछ बता हाईलाइट करता हूँ केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला अहम, दूसरा, थर्ड,
ये तो बहुत अहम, बट ठीक है, बाकी नॉर्मल। ये केसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन लता से क्वेश्चन आता है उसके लिए अहम है। पहला क्लियर हो गया लाइबिलिटी वाला कंसेप्ट, ये केसडी में अक्सर कंसेप्ट टेस्ट करेगा। दूसरा, ड्यूटी टू एक्ट विद इन अथॉरिटी। अच्छा मुझे बताइए, एजेंट वाले में हमने यही चीज पढ़ी थी कि एजेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपनी अथॉरिटी में एक्ट करे, और क्या पढ़ा था, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो क्या होगा, तो वो अपने एक्ट्स के लिए लायबल होगा। एजेंट अगर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है वो अपने एक्ट्स के लिए लायबल होगा। किसको लायबल होगा ये डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को पता है कि नहीं, बट अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज था ट्रांजैक्शन करते हुए एजेंट अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है तो एजेंट थर्ड पार्टी को खुद लायबल है, प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता था तो फिर प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल है और एजेंट प्रिंसिपल को लायबल है, ये चीज के लिए। अब जो कि मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि एजेंसी के जो कंसेप्ट है वो सारे के सारे पार्टनरशिप पे भी अप्लाई होते हैं, क्यों भला, इसकी रीजन क्या है, क्योंकि जो सारे पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के एजेंट भी हैं, एजेंट भी है। इसलिए जो ये कंसेप्ट था कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करेगा तो खुद पर्सनली लायबल है, एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करेगा तो पर्सनली लायबल है, उसी तरीके से हर पार्टनर की भी तो अथॉरिटी है, हर पार्टनर की भी तो अथॉरिटी। अच्छा एजेंसी में ना, एजेंसी में हमने ये स्टडी नहीं किया था कि कौन कौन सी चीजें एजेंट की अथॉरिटी में हैं और कौन सी एजेंट की अथॉरिटी में नहीं है। हम ये फैसला करते थे कि प्रिंसिपल ने क्या कहा है, प्रिंसिपल ने जो कहा हो वो ही हमारी अथॉरिटी बनती थी, और हम कहते थे एजेंट को यही काम करना चाहिए, इसके अलावा काम नहीं करना चाहिए। भाई ऐसे ही था ना, कोई लिस्ट पढ़ी तो नहीं जिसमें ये लिखा हो कि ये एजेंट की अथॉरिटी है और ये रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी है। रिस्ट्रिक्शन अथॉरिटी का मतलब ये काम एजेंट नहीं कर सकता, ये एजेंट की अथॉरिटी है और ये एजेंट की अथॉरिटी नहीं है, ऐसी कोई लिस्ट तो नहीं पड़ी थी। तो फिर कैसे डिसाइड करते थे एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया कि नहीं, कैसे डिसाइड करते थे, प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक या कुछ लॉ जो बताता था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप एक्ट में लिस्ट दी हुई है कि ये पार्टनर्स की एक्चुअल अथॉरिटीज है और ये लिस्ट है जो पार्टनर्स की एक्चुअल अथॉरिटी नहीं है, यानी पॉजिटिव लिस्ट भी है नेगेटिव लिस्ट भी है। पॉजिटिव लिस्ट का मतलब क्या, कि हर पार्टनर ये काम कर सकता है, हर पार्टनर अगर चाहे तो कस्टमर से पैसे वसूल कर सकता है, हर पार्टनर अगर चाहे तो बैंक से लोन ले सकता है, लेकिन कोई भी पार्टनर बिजनेस के एसेट्स नहीं बेच सकता जब तक सारे ना एग्री करेंगे, ठीक है। यानी कुछ लिस्ट दी है लॉ ने जो पार्टनर काम उसकी अथॉरिटी में है और कुछ ऐसी है जो उसकी अथॉरिटी में नहीं है, बस इतना फर्क है। बाकी कंसेप्ट वही है, क्या कि अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, एक्सीड करने का मतलब क्या है, कि वो ऐसा काम कर ले जो उसकी अथॉरिटी में नहीं है, जो उसके अख्तियार से बाहर है, जो नेगेटिव लिस्ट में है। अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो क्या होगा, वो खुद लायबल होगा उस ट्रांजैक्शन के लिए, बाकी के पार्टनर लायबल नहीं होंगे, नहीं होंगे। समझ में आई है बात, ठीक है। तो ये जेहन में रखिएगा, ये कंसेप्ट एजेंट वाले से मिलता जुलता है तकरीबन, फर्क सिर्फ ये है कि एजेंट वाले टॉपिक में उसने लिस्ट नहीं दी थी, इस पार्टनरशिप में लिस्ट दी हुई है, वो लिस्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन वो लिस्ट क्या है भला, कि पार्टनर्स की अथॉरिटी में ये चीजें शामिल हैं और ये चीजें शामिल नहीं। ड्यूटी टू एक्ट विद इन अथॉरिटी क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ड्यूटी इन केस ऑफ एमरजेंसी, ये भी एजेंट पढ़ा था। तो एजेंसी के सारे कंसेप्ट पार्टनरशिप में भी अप्लाई होते हैं, क्यों अप्लाई होते हैं, क्योंकि एजेंट पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं। तो उसमें एमरजेंसी वाला कंसेप्ट क्या स्टडी किया था, कि अगर कभी कोई एमरजेंसी सिचुएशन राइज हो तो प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए अथॉरिटी से एक्सीड कर सकता है एजेंट। सिमिलर कंसेप्ट यहां पे है, हमने एक पार्टनर से ये कहा, सारे पार्टनर्स आपस में तय हुआ कि हम में से कोई भी बंदा जो है वो 1 लाख से ज्यादा का सामान नहीं बेचेगा। अगर 1 लाख से ज्यादा का सामान बेचना है तो सारे पार्टनर्स मिलकर फैसला करेंगे, फिर सामान बेचा जाएगा। इंडिविजुअल पार्टनर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो 1 लाख से ज्यादा का सामान बेचे। अब इसमें फर्ज कीजिए एक पार्टनर ने 1.5 लाख का सामान बेच दिया, 1.5 लाख का सामान और उधार पे,
और जिसको बेचा वो बैंकक्रप्ट हो गया। अब बताइए ये नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? वो बेचा, क्यों? वही पार्टनर, बाकी के पार्टनर्स नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। कहले अच्छा सिचुएशन यही है, पार्टनर ने एग्री किया कि 1 लाख से ज्यादा कोई नहीं बेचेगा स्टॉक। एक पार्टनर को खबर मिली कि कल दोपहर तक जो हमारी इन्वेंट्री है ना उसकी प्राइसेस ज्यादा ही रह जाएगी किसी वजह से। उसने आज के आज 12.5 लाख का स्टॉक था सारे का सारा बेच दिया ताकि कल को प्राइस कम होने से नुकसान से बचा जा सके। बताइए अभी, और थोड़ा सा प्राइस से कम पे बेचा, रेगुलर प्राइस से कम पे बेचा। बाकी पार्टनर्स ने कहा हो हमने तो तुम्हें मना किया था कि जितना तुमने कम प्राइस पे बेचा ना वो नुकसान हमें पूरा करो। क्या ये पार्टनर जिसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करते हुए सारे का सारा स्टॉक बेच दिया है क्या लायबल है कंपनसेट करने के लिए? नहीं रहा। क्यों नहीं लायबल? उसमें इमरजेंसी वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। क्या इमरजेंसी सिचुएशन में हर पार्टनर की ना सिर्फ अथॉरिटी है बल्कि उसकी ड्यूटी है, बल्कि ड्यूटी है कि वो फर्म को नुकसान से बचाने के लिए अपनी अथॉरिटी से बढ़कर भी कोई काम करना पड़ता है तो वो काम करे, वो काम करे। क्लियर? आपको एग्जांपल याद है वो जो आम मुल्तान से मंगवाए थे लाहौर के लिए, फैसलाबाद में पहुंच के खराब हो गए थे? नहीं, फैसलाबाद पता चला कि लाहौर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर वो एजेंट उधर फैसलाबाद में ना बेचता ये पता चलने के बावजूद कि ये लाहौर तक खराब हो जाएंगे और ये कहता मुझे जो प्रिंसिपल ने कहा मैं तो आंखें बंद करके उसी पे अमल करूंगा, तो क्या उसने सही किया? नहीं, गलत किया। इसलिए कि इमरजेंसी का कंसेप्ट सिर्फ अथॉरिटी नहीं है बल्कि ये ड्यूटी भी बन जाता है कि अगर आपको लग रहा है कि नुकसान होगा तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उस नुकसान से बचाने की कोशिश करनी है प्रिंसिपल को। क्या इसमें वो 3 पॉइंट आएंगे? देखिए पार्टनरशिप में वो 3 पॉइंट नहीं दिए हुए लेकिन डेफिनेटली लॉस से बचाने के लिए ये पॉइंट वो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। रियल इमरजेंसी हो, दूसरे पार्टनर से मशवरा लेने की कोशिश की गई हो और लॉ से बचाने के लिए लिख सकते हैं, पार्टनरशिप में नहीं लिखा लिख सकते हैं। तो ये अथॉरिटी, ये ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये असल में ना यूं समझ लें कि ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी ये ऊपर अथॉरिटी वाले की एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे? एक्सेप्शन है कि नॉर्मली पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो वो लायबल होता है लेकिन इमरजेंसी केस में अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो लायबल नहीं होगा, बल्कि उसको शाबाश दी जाएगी। उसको शाबाश दी जाएगी कि भाई तुमने नुकसान से बचाया हमें। ये क्लियर? आगे चले। ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। अच्छा, एजेंट ने जब काम करना होता था तो अपने जाति मुफाद में करना होता था क्या? प्रिंसिपल के मुफाद में। अच्छा, एक केस स्टडी मुझे याद आ गई। एक दुकानदार था, अच्छा एम्प्लॉयज एजेंट होते हैं ये हमने पढ़ा हुआ है। दुकानदार था, उसने एक सेल्स बॉय को रखा अपने पास कि भाई ये जूते बेचते हैं हम, जूते की दुकान जैसे बाटा सर्विस टाइप, तो आपने जूते बेचने इस रेट पे बेचने। उसने कहा अच्छा। एक दिन अचानक दुकान के दार के मालिक ने ना दुकान का विजिट किया तो पता चला उधर कुछ और भी जूते रखे हुए हैं जो उसने नहीं खरीदे थे। दुकानदार ने कहा यार ये जूते तो हमने खरीदे नहीं, ये कहाँ से आए हैं? इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि सेल्समैन क्या करता था, उसने अपने जूते पर्सनली खरीद के ना वो भी साइड पे रखे हुए थे और ग्राहक जब आते थे तो उसके जूते भी पसंद कर लेते थे, वो उनको भी बेच के प्रॉफिट कमाता था। बताइए क्या एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया? Yes, एक तरह से। क्या एजेंट ने प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में काम किया? No, नहीं, उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ज़ाती फायदा उठाया। Yes, तो उसमें क्या होना चाहिए? इसमें क्या होना चाहिए? इसमें प्रॉफिट जो उसने कमाया ना अपने पर्सनल जूते बेच के वो उसे प्रिंसिपल को वापस करना चाहिए। एक इसी तरह का मुझे याद आ गया रियल केस, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी ना तो उस वक्त पता चला ये जो होते हैं ये गवर्नमेंट ने खोले होते क्या कहते हैं इनको, यूटिलिटी स्टोर। यूटिलिटी स्टोर पे ना स्टॉक की वेरिफिकेशन थी तो मुझे भी भेजा, तो वहाँ पे बंदा जो था ना वो मुझे बता रहा था कि सर हमारा ना एक यहाँ पे बड़ा अजीब किस्म का फ्रॉड होता है और वो ऐसा फ्रॉड होता है आपके लिए पकड़ना भी मुश्किल होगा। मैंने कहा कैसे? उसने कहा यहाँ पे होता बाजू का अच्छा है, कुछ स्टोर वाले क्या करते हैं यहाँ पे अगर मतलब दाल चीनी वगैरह जो है ना ये मार्केट से कम रेट पे बिकते हैं लेकिन फिर भी प्रॉफिट मार्जिन होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे सारा दिन फर्ज कीजिए जितनी भी चीनी जितनी भी दाल जितने भी साबुन बिके उसकी लिस्ट बनाते हैं। जैसे अगर मार्केट में 20 रुपए की चीज 25 में मिल रही है ना तो यहाँ पे 22 में मिल रही होगी आपको। तो वो क्या करते हैं कि लिस्ट बना के क्या क्या चीजें बिकी तो होल सेलर से 20 रुपए में वो चीजें खरीद के तो यूटिलिटी स्टोर के स्टॉक में ऐड कर देते हैं, यू शो करवाते हैं जैसे सेल हुई ही नहीं, और जो ऊपर का प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो अपनी जेब में रख लेते हैं।
यानी क्या करते हैं, जैसे यूटिलिटी, मुझे यूटिलिटी स्टोर पे बिठाया, मैं यूटिलिटी स्टोर पे बैठ गया, मैंने साथ ही पीछे एक दुकान किराए पे ले ली, और उसमें सारा सामान जो है ना यूटिलिटी स्टोर वाला ही समझ लें, उसमें थोड़ा थोड़ा मैंने बाहर से खरीद के उधर स्टोर कर लिया। अब सारा दिन ग्राहक यूटिलिटी स्टोर में आ रहा है, लेकिन सामान जो खरीद के जा रहा है ना, मैं उसे यूटिलिटी स्टोर की सेल नहीं शो कर रहा, मैं उसे क्या करता हूँ, अपनी सेल। यूटिलिटी स्टोर का सामान मैं पीछे अपने गोदाम से लाके पूरा कर देता हूँ और सारे पैसे जेब में। हो क्या रहा है, बजाहिर मैं गवर्नमेंट की शॉप पे बैठा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट की शॉप पे बैठ के अपना जाती सामान बेच रहा हूँ, जाती सामान। तो मुझे बताइए, ये एक तरह से मैं गवर्नमेंट का एजेंट हूँ, मुझे गवर्नमेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है, लेकिन मैं नहीं कर रहा, अपने पर्सनल बेनिफिट में काम कर रहा हूँ। अगर मैं पकड़ा जाऊं तो जो सजा मिले तो सो मिले, लेकिन क्या जो मैंने प्रॉफिट कमाया हुआ है पहले, वो मुझे गवर्नमेंट को रीपे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट का हक है। वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज करते हुए, गवर्नमेंट के एसेट्स को यूज करते हुए मैंने कमाया। तो इसी तरह मुझे बताइए, कैसा होना चाहिए कि कोई पार्टनर जो है, पार्टनर कोई भी काम करे, उसे सबके बेनिफिट में, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करना चाहिए कि पर्सनल बेनिफिट में काम करना चाहिए? क्या उसे सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करना चाहिए किसी पार्टनर को? सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहिए। नहीं, एक मिनट आ रहे, पार्टनरशिप की जरूरत है, किसी जगह पे दुकान खोलने हैं, उन्होंने लोकेशन डिसाइड की और एक पार्टनर से कहा ये लोकेशन हमें बड़ी अच्छी लगी है, जरा इसकी डील करवाओ। पार्टनर प्रॉपर्टी डीलर के पास गया, कहने लगा कितने की जगह है? प्रॉपर्टी डीलर ने कहा 50 लाख की। पार्टनर ने कहा अच्छा, अपने कजन को बुलाया, उसने कहा ये 50 लाख मैं तुम्हें देता हूँ, अपने नाम से जगह खरीदो। उसने जगह खरीद ली, उसके बाद पार्टनर ने कहा तुमसे अब जो भी पूछे कितने में बेचनी है, तुमने 70 लाख बताना है। तुमने 70, अब पार्टनर ने आके बाकी पार्टनर से कहा वो जगह बिक तो रही है लेकिन वो 70 लाख की है। दूसरे पार्टनर ने सोचा थोड़ी सी महंगी है लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी है, चलो 70 लाख में डील कर लेते हैं। 70 लाख में डील हो गई, 20 लाख इसकी जेब में। बताइए क्या इसने ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम किया, ये सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया? जब ये पकड़ा जाए तो इसे क्या करना चाहिए, वो जो प्रॉफिट अर्न किया है वो रीपे करना चाहिए पार्टनरशिप को। ये है ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज का मतलब, कि हर पार्टनर की ड्यूटी है वो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करे। अगर कोई भी पार्टनर इस ड्यूटी के खिलाफ चलता है ना, तो रूल बड़ा सिंपल है, क्या, कि ड्यूटी पूरी ना करने की वजह से जो नुकसान हुआ है ना, वो नुकसान रीपे कर दे फर्म को। रूल सिंपल है, ये क्लियर हो गया? आगे, ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल, वफादार रहे, ईमानदार रहे फर्म के साथ। ड्यूटी टू प्रोवाइड ट्रू अकाउंट्स, कोई अगर पूछे कि सामान कितने का खरीदा, किसको बेचा, कितना खर्चा हुआ, हिसाब किताब बताओ, रसीदें दिखाओ, तो क्या उसे माइंड कर लेना चाहिए कि तुम मुझे बेईमान समझ रहे हो, तुम मुझे फ्रॉडिया समझ रहे हो, इसलिए मुझसे हिसाब किताब मांग रहे हो? कि ऐसे कहना चाहिए कि हिसाब किताब सामने रख दे, हिसाब किताब सामने रख दे। जो लोग जितने ज्यादा डायलॉग मारते हैं वो उतना ही इसका मतलब है कि गड़बड़ है। जो सीधा साधा बंदा होता है ना, वो उसे कोई पूछे वो माइंड नहीं करता, कहता ये लो भाई हिसाब किताब ये। तो उसे भी इसी तरह पार्टनर को क्या करना चाहिए, हिसाब किताब रखे और जो भी कोई पूछे तो माइंड ना करे, बल्कि क्या करे, हिसाब किताब सामने रखते। ये लो, ये है ड्यूटी टू प्रोवाइड ट्रू अकाउंट्स का, सारा हिसाब किताब रखे और 2 नंबर जाली रसीदें ना बना के ले आए, जाली रसीदें ना बना के ले आए। ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, हर पार्टनर को चाहिए कि किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, कोई बात छुपाए ना, कोई बात छुपाए ना। जैसे एक पार्टनर, रॉ मटेरियल चाहिए फर्म को, एक पार्टनर ने कहा अच्छा रॉ मटेरियल मार्केट में 10 लोग बैठे हैं, उसका कोई जानने वाला रिश्तेदार भी उधर ही बैठा, उसका भाई की दुकान भी उधर ही है, वो अपने भाई की दुकान से रॉ मटेरियल ले आता है। अच्छा है मार्केट प्राइस पे ही है, मार्केट प्राइस पे, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस से ज्यादा होगा ना तो वो सीक्रेट प्रॉफिट की तरफ आ जाएगा, है मार्केट प्राइस पे। क्या लेकिन इस पार्टनर को बता देना चाहिए कि ये रॉ मटेरियल जिस दुकान से आ रहा है वो मेरे भाई की है, बताना जरूरी है कि नहीं? अच्छा, बजाहिर इसमें पार्टनरशिप फर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, क्योंकि दूसरों से भी मार्केट प्राइस मिला, इससे भी मार्केट प्राइस में लिया, लेकिन फिर भी बता देना जरूरी है कि इस पार्टनर का कोई इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, रिलेशनशिप है इस ट्रांजैक्शन में। ठीक है, ये है मतलब इस चीज का, ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन। अगर वो पार्टनर इस केस में नहीं बताता कि ये मेरे भाई की दुकान से राम मटेरियल आ रहा है और बाकी पार्टनर्स को भी नहीं पता चलता, तो ये ड्यूटी की खिलाफ वर्जी है, पार्टनर को चाहिए। हाँ, एक दफा डिस्क्लोज कर दिया ना, फिर बाकी पार्टनर की मर्जी है, वो चाहे इस भाई के भाई से खरीदे चाहे ना खरीदे,
लेकिन डिस्क्लोज कर देना, क्योंकि चाहे मार्केट प्राइस पे ही सामान खरीदना खरीदा, लेकिन फिर भी फेवर तो देना, फेवर तो देना, क्योंकि बड़ा ऑर्डर अगर है तो जाहिर है उसको बेनिफिट तो पहुंच रहा है, मार्केट प्रॉफिट ही सही, लेकिन उसके भाई को पार्टनरशिप फर्म की वजह से प्रॉफिट तो मिल रहा है, तो डिस्क्लोज कर देना यहां पे जरूरी है। एट, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड। इंडेमनीफाई किसे कहते हैं? किसी का नुकसान पूरा करना, कंपनसेट करने को। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करे, कस्टमर ने पैसे दिए थे 1 लाख रुपया एडवांस, दराज में रखा हुआ था, पार्टनर ने वो 1 लाख रुपया जेब में डाला, निकल गया फ्रॉड। अब बताइए फर्म उस कस्टमर को लायबल है कि नहीं जिसने एडवांस दिया? फर्म कस्टमर को लायबल है, क्योंकि एजेंट है, एक बंदे को पैसे दिए तो मतलब फर्म लायबल है। लेकिन क्या वो पार्टनर जब पकड़ा जाए तो वो इंडेमनीफाई करेगा फर्म को? इंडेमनीफाई करने का मतलब क्या? रीइंबर्स करेगा जो रुपया है। करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। ये है हमारी एब्सोल्यूट या मैंडेटरी ड्यूटीज। ये क्लियर हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम? सबसे अहम चीज जो इसमें मैं चाहता हूं कि आपको, वो एक अथॉरिटी वाला पॉइंट कि हर पार्टनर की अथॉरिटी अपनी अथॉरिटी से सीट करेगा, कंपनसेट करेगा, एमरजेंसी वाला पॉइंट और कॉमन एडवांटेज यानी नो पर्सनल बेनिफिट। ये तीन पॉइंट क्लियर कर ले, ये केस स्टडी में बार बार आने हैं। ये क्लियर है तो बाकी अगर कोई कमी बेशी है अभी तो नो प्रॉब्लम, वो रीडिंग करेंगे निकल जाएगी। ये क्लियर है कंसेप्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्वालिफाइड ड्यूटीज, क्वालिफाइड ड्यूटीज में और एब्सोल्यूट ड्यूटीज में फर्क क्या था? भूल गया मैं, क्या फर्क था? क्वालिफाइड चेंज हो सकती है थ्रू एग्रीमेंट, एब्सोल्यूट ड्यूटीज थ्रू एग्रीमेंट भी चेंज है। अच्छा, अब देखते हैं क्वालिफाइड ड्यूटीज। पहला, ड्यूटी टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म। ड्यूटी टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर, क्या कहना चाह रहा है भाई? जो इसका मतलब है वही कहना चाह रहा है। या फर्म की प्रॉपर्टी जो है फर्म के काम के लिए इस्तेमाल, जाती काम में थोड़ी होगी, सिर्फ फर्म के काम के लिए इस्तेमाल होगी। हम जिस फर्म में आर्टिकल करते हैं ना, कैब क्वालिफाई करने के बाद वो हमें लैपटॉप देती थी, किस लिए देती लैपटॉप वाला? हम उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें, क्लाइंट पे जाके वहां पे क्लाइंट से ना कंप्यूटर मांगते फिरे, क्लाइंट कह रहा था शाम 3 बजे के बाद आइएगा, 4 बजे के बाद आइएगा, तो फर्म ने हमें लैपटॉप दे दिया। क्या हम उस लैपटॉप पे गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं? अगर पार्टनरशिप होती तो ये रूल अप्लाई होता के एक्सक्लूसिव के फर्म का एसेट एक्सक्लूसिवली फर्म के पर्पस के लिए यूज होगा। लेकिन असल में हमारे फर्म के पार्टनर्स को पता था कि ट्रेनी स्टूडेंट्स लैपटॉप का ये इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन घर जाके करते हैं, घर जाके करते हैं, ऑफिस में नहीं करते, घर जाके करते हैं। उन्होंने फिर भी कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी कभी बता था, तो मुझे बताइए उनकी तरफ से इजाजत थी कि नहीं थी? कैसे इजाजत थी? उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, इम्प्लाइड नॉलेज होने के बावजूद भी साइलेंट रहना एक्शन नाल, इसका मतलब है एक्सेप्टेंस है। आपको याद है वो जनरेटर वाली रिप्रेजेंटेशन में फ्रॉड में पढ़ा था कि पता चलने के बावजूद भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसीड नहीं करते तो उसका मतलब आपकी तरफ से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, उनकी तरफ से इम्प्लाइड। लेकिन पार्टनरशिप में भी इस तरह अगर आप एक दूसरे को इजाजत दे दें तो प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरल रूल क्या है, बाय डिफॉल्ट रूल क्या है कि फर्म की प्रॉपर्टी जितनी भी होगी फर्म के लिए इस्तेमाल होगी। ये कंसेप्ट यहां पे खत्म हो गया। अब अगर आप चाहें तो मैं एक छोटी सी यहां पे टिप ऐसी ऐसा कंसेप्ट और छोटा सा ऐड कर दूं कि नेक्स्ट चैप्टर में हमारे लिए आसानी हो जाए, या बल्कि शायद इसी इसी में आगे देखें, नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में है फर्म प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, इसी में चले कल के लेक्चर में आसानी हो जाए। फर्म प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? देखिए ये डिटेल तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट में स्टडी करेंगे, आज सिर्फ इतनी बात आपको बताना चाहता हूं कि कोई प्रॉपर्टी फर्म की है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अब देखिए पार्टनर है ना, पार्टनर के पास एक गाड़ी है, कैसे पता चलेगा कि गाड़ी पर्सनल है कि फर्म के लिए है? यही कंसेप्ट ठीक करना है, यही कंसेप्ट ठीक करना है कि उसके नाम पे है कि नहीं। इस चीज से फर्क याद रखें, जब हमने डिसाइड करना है ना, आगे केस स्टडी आएगी जिसमें आपसे पूछेगा बताओ ये प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है प्रॉपर्टी, लॉ में वर्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? हर एसेट, हर एसेट। ये आपको किसी लेक्चर में बताया मैंने कि अकाउंटिंग में और लॉ के वर्ड टर्म्स में मीनिंग में फर्क है, कि कब बताया था? क्या एग्जांपल दी थी? भूल गया लेकिन बताया था। बताया, भूल गए? क्यों भूल गए? लिखा नहीं था, लिखा लिखा। सुनने, अकाउंटिंग में प्रॉपर्टी किसे कहते हैं?
काउंटिंग में प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग को. लॉ में प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? हर एसेट को. हर एसेट को भूल गया. तो फर्म प्रॉपर्टी का कंसेप्ट सिर्फ लैंड बिल्डिंग के लिए नहीं है, हर एसेट के लिए, व्हीकल के लिए भी है, फर्नीचर के लिए, इन्वेंट्री के लिए भी है. शाबाश. इसी तरह अकाउंटिंग में क्रेडिटर किसको कहते हैं? जिससे उधार माल खरीदते हैं. लेकिन लॉ में क्रेडिटर किसे कहते हैं? हर वो बंदा जिसको आपने एक रुपया भी देना. इवन लॉ बैंक जो होता है ना, बैंक बैंकर जिसे लोन लिया होता है, अकाउंटिंग में उसके लिए वर्ड है लेंडर. बाजूकात लैंड, उसे लेंडर ही कहते हैं. क्रेडिटर हरगिज नहीं कहते. लॉ में बैंकर को भी लेंडर कहा जाता है, सॉरी क्रेडिटर कहा जाता है. इवन अगर आपका कोई वर्कर है जिसको आपने सैलरी नहीं दी, लॉ की लैंग्वेज में उसे भी क्रेडिटर ही कहेंगे. हालांकि अकाउंटिंग में उसके लिए कभी भी क्रेडिटर, उसे कहा जाता है अक्रूड वेजेस, विसरा का नाम दिया जाता है. क्रेडिटर कभी नहीं, क्रेडिटर सिर्फ उसको कहा जाता है अकाउंटिंग में जिससे उधार माल खरीदते हैं. लेकिन लॉ की टर्मिनोलॉजी में और अकाउंटिंग में फर्क है. ये दो और भी बड़े फर्क है, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे तो आपको बताऊंगा. फिलहाल ये दो. तो इससे फर्म प्रॉपर्टी से हमारा हर वो एसेट जो फर्म का, कौन सा एसेट फर्म का है कौन सा नहीं कैसे पता चलेगा? सुन लें, एसेट किसके नाम पे है इससे फर्क नहीं पड़ता, एसेट किसके लिए खरीदा गया इसके लिए फर्क पड़ता है. नहीं समझ आई? एसेट किसके नाम पे है इससे फर्क नहीं पड़ता, एसेट किसके लिए खरीदा गया इसके लिए फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है. नहीं समझ आई? अच्छा, घर में गाड़ी थी, ओनर के नाम पे थी, पार्टनर के नाम पे थी. उसने बिजनेस को लाके कहा ये लो आज से ये गाड़ी बिजनेस के इस्तेमाल के लिए होगी. अब कंसेप्ट से कंसेप्ट निकलेगा, चले चलते हैं यहां से. बिजनेस के लिए इस्तेमाल होगी, नाम पार्टनर के ही है लेकिन कहा बिजनेस के लिए इस्तेमाल होगी. महीने के बाद गाड़ी बेची तो उस पर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, प्राइस बढ़ गई होगी. पार्टनर ने कहा मेरे नाम पे गाड़ी थी, लाओ 2 लाख मुझे दो. बाकी के 3 पार्टनर ने कहा नहीं, हर एक को 50,000 मिलेगा क्योंकि ये फर्म की प्रॉपर्टी थी, फर्म की प्रॉपर्टी पे सबका हक है. बताइए ये फर्म की प्रॉपर्टी थी कि नहीं थी? पर कैसे थी? वो तो पार्टनर एक के नाम पे थी. नाम से फर्क नहीं पड़ता किसके नाम पे थी, किस काम से फर्क पड़ता है. किस काम के लिए लाए थे? वो बिजनेस के लिए लाए थे तो फर्म की प्रॉपर्टी है, फर्म की प्रॉपर्टी. क्लियर हुई ये बात? ये लाइन जैसे में रखिएगा, कल के लेक्चर में ये लाइन काम आएगी. आगे चलते हैं. वाह, अच्छा हाँ, एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म, ये समझ आ गया आपको? फर्म की प्रॉपर्टी, हाँ, अगर फर्म इजाजत देना चाहे तो दे सकती है कि चलो ऑफिस आज के बाद अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी यूज कर सकते. लेकिन अगर इजाजत ना हो और कोई पार्टनर पर्सनल यूज करे तो फिर जितना भी उसने फायदा उठाया उसे वापस करना पड़ेगा. अगर गाड़ी का पर्सनल यूज किया तो जितना भी यूज किया उसको, जितनी भी उसकी डेप्रिसिएशन हुई होगी या जो भी उसका रेंट मिलते हैं, जो भी उसका पेट्रोल खर्चा होगा उसने, जो भी, केस स्टडी में हमने ये कैलकुलेशन नहीं करनी होती, सिंपल कंसेप्ट बताना होता है कि उसको बेनिफिट रिस्टोर करने पड़ेंगे. समझ आ गई बात भाई? ये फर्म प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म, क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं. अच्छा, ये वो कंसेप्ट है जो कैफ 4 और कैफ 7 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डबल स्टार लगा दिया, डबल स्टार लगा दिया. कैफ क्या? ड्यूटी नॉट टू एंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस. कंपीटिंग बिजनेस को बाजू का सिमिलर बिजनेस भी कहते हैं. ये कंपीटिंग बिजनेस क्या होता है? सिमिलर बिजनेस. आप जिंदगी में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सा? वैसे कोई भी नहीं करता. ये कहते सर मैं बाटा की कंपनी को एक्वायर कर लूंगा, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ जूतों का ही, बाटा की कंपनीज को एक्वायर कर लूंगा ताकि मेरे घर वालों को कभी भी जूते ना मिल सके मेरे रिजल्ट वाले दिन. मैं कंपनी खरीद लूंगा, बंद कर दूंगा प्रोडक्शन. अच्छा, फर्ज कीजिए इन्होंने कंपनी खरीद ली, अब ये बाटा की कंपनी के मैन्युफैक्चरर बिजनेस कर रहे हैं, ये पार्टनर है, 4-5 लोगों ने मिलकर बिजनेस खरीदा. क्या सर्विस शूज कंपनी इनका कंपीटिंग बिजनेस है? सिमिलर बिजनेस है? बिल्कुल है. लेकिन फर्ज कीजिए ये सोहराब साइकिल बनाने वाला काम भी करना चाहते हैं, साइकिलें बनाने का काम भी करना चाहते हैं. उन्होंने कहा सर हम सोहराब साइकिल के बिजनेस में भी जाना चाहते हैं.
अब जूतियां बना रहे हैं और साथ में साइकिल बनाने वाले बिजनेस में जाना चाह रहे हैं, ये एक कंपीटिंग या सिमिलर बिजनेस है? नहीं है। एग्री करते हैं? अच्छा, हम इस कॉलेज में बैठे हैं, इसके साथ ही पेट्रोल पंप है, अगर हम पेट्रोल पंप का काम भी शुरू करना चाहे, क्या ये कंपीटिंग बिजनेस है? सिमिलर नहीं है। लेकिन थोड़ा सा दाएं तरफ जाएं तो दो तीन आपको और कॉलेजेस मिलेंगे, क्या वो कंपीटिंग बिजनेस है? बिजनेस है भाई। कंपीटिंग या सिमिलर बिजनेस में फर्क समझ आ गया, कौन सा बिजनेस कंपीटिंग है और कौन सा बिजनेस कंपीटिंग नहीं है। अब कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। लॉ ये कहता है और बड़ी ही अच्छी बात कहता है कि किसी भी पार्टनर को कंपीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपेटिटर है ना, कंपेटिटर है ना, तो फिर जहन में बात आ जाती है दूसरे पार्टनर के कि भाई हमारी कंपनी में भी काम, हमारे बिजनेस में भी काम करता है और साथ ही साथ इसने दूसरा बिजनेस भी इसी तरह का स्टार्ट किया हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे ग्राहक उधर भेज रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पे शेयर कर, दिल में बात, इंसान है ना, बात आ सकती है। तो इसे हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना, कि अगर एक पार्टनर एक बिजनेस में पार्टनर है और कंपीटिंग बिजनेस भी चला रहा है तो उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ उसे नहीं चलाना चाहिए। एग्री करते हैं इस चीज से भाई? अगर चार पार्टनर ए बी सी डी ने मिलकर कपड़े बेचने का बिजनेस शुरू किया और मिस्टर ए ने अलहदा से भी अपनी दुकान खोली कपड़े बेचने की, तो बताइए कमेटिंग बिजनेस है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि बाकी पार्टनर के जहन में आएगा कि कहीं ऐसा कि हमारी दुकान जो है वो सेल जो डाउन हो गई है, सारे ग्राहक इसकी दुकान पे जाए, ये हमारी दुकान पे बैठ के अपनी दुकान की मशहूरी ना कर रहा हूं। ये है कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट। तो एक पार्टनर को कंपीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इसे एग्री करते हैं? अब सुनिए असल बात जो केस स्टडी में पूछेगा। क्वेश्चन ये है कि आप अगर एक पार्टनर हैं, पार्टनर होते हुए कोई दूसरा बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं? एक मिनट लॉ कहता है दो तरह के बिजनेस है, एक सिमिलर या कंपीटिंग भी कह ले इसको, एक डिससिमिलर। कहता है डिसिमिलर आप कर सकते हैं लेकिन सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते। ये बात समझ आई कि क्वेश्चन क्या है, क्या एक बिजनेस में पार्टनर होते हुए आप कोई दूसरा बिजनेस कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है? सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते। सिमिलर बिजनेस जिसे कंपीटिंग में नहीं कर सकते, अदर बिजनेस यानी डिसिमिलर बिजनेस कर सकते हैं। क्या एक पार्टनर कोई दूसरा बिजनेस कर सकता है? सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता, डिसिमिलर बिजनेस कर सकता है। ये बात समझ आई? लेकिन कहानी में अभी भी एक ट्विस्ट बाकी है। पहले बताइए आपको सिमिलर और डिसिमिलर में फर्क समझ आ गया? केस स्टडी में पहचान लेंगे, वो खुद से कभी नहीं बताएगा सिमिलर या डिसिमिलर, नेचर ऑफ बिजनेस बता देगा, आपको पता चल जाएगा पीआईए या शाहीन एयरलाइंस है, ये क्या है? सिमिलर बिजनेस है। ठीक है, आपको वो नेचर ऑफ बिजनेस से खुद पता। तो सिमिलर बिजनेस एक पार्टनर डिसिमिलर, लेकिन जहन में रहे ये क्वालिफाइड ड्यूटीज में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एग्रीमेंट के जरिए चेंज भी हो सकता है, यानी एग्री हो जाए पार्टनर्स का, ये है उस वक्त जब कुछ भी एग्री नहीं हुआ। जब कुछ भी एग्री नहीं हुआ तो कंसेप्ट क्या है कि एक पार्टनर सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता, डिसिमिलर बिजनेस कर सकता है, लेकिन एग्रीमेंट हो जाए तो ये सिचुएशन पलटा भी खा सकती है। वो कैसे? एग्रीमेंट में लिखा कि एक पार्टनर अदर बिजनेस में नहीं कर सकता, तो फिर वो अदर बिजनेस भी नहीं कर सकता अगर पार्टनरशिप में लिखा हुआ है। और अगर पार्टनरशिप में लिखा हुआ है कि कोई एक कंपीटिंग बिजनेस भी कर सकता है, तो कंपीटिंग बिजनेस भी कर सकता है, यानी पार्टनरशिप में जो लिखा होगा वो अप्लाई होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप में कुछ भी नहीं लिखा होगा तो रूल, आपने रूल ये याद रखना है पहले कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो कोई भी पार्टनर सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता, डिसिमिलर बिजनेस कर सकता है, सब्जेक्ट टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यानी अगर और अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कोई एक पार्टनर कोई भी बिजनेस नहीं करेगा, सिर्फ पार्टनरशिप में ध्यान देगा, डिसिमिलर भी नहीं कर सकता, तो इस सिचुएशन में पार्टनर डिसिमिलर कर सकता है? नहीं। और अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हो कि सिमिलर भी कर सकता है, यानी बाय डिफॉल्ट रूल क्या है? सिमिलर नहीं कर, डिसिमिलर अनलेस एग्रीड अदरवाइज, यानी अगर एग्री किया तो फिर जो एग्री किया ना हमारी ब्लास है वही अप्लाई होगा। आगे चलते हैं, ये बहुत अहम कंसेप्ट है, ये समझ आ गया आपको सिमिलर डिसिमिलर। अच्छा, ड्यूटी नॉट टू असाइन आर ट्रांसफर इज इंटरेस्ट,
ये इंटरेस्ट ट्रांसफर करने या साइन करने से क्या मुराद होता है? शेयर जो पार्टनर के अपनी जगह पे किसी और को पार्टनर बना देना, इसका ये मतलब नहीं होता। असाइन इंटरेस्ट असाइन करने या ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है? खुद किसी को प्रॉफिट, किसी को पार्टनर बना देना, अपना शेयर बेच देना, वो दूसरा सब पार्टनर बना। अच्छा, सब पार्टनर असल में पार्टनर नहीं होता, सब पार्टनर की टर्म ही गलत सी है, होनी नहीं चाहिए लेकिन बुक में यूज हुई है इसलिए पढ़ानी पड़ती है। सब पार्टनर पार्टनर नहीं होता, कौन होता भला? ये ट्रांसफरी या असाइनी, जिसको अपना हम इंटरेस्ट ट्रांसफर। अब इसका मतलब है वो फाइनेंशियल वाइज पार्टनर के सारे राइट्स उसे मिल गए, लेकिन मैनेजमेंट वाइज कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट होगा उससे उसका प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, फर्म जब खत्म हो जाएगी उसको उसके कैपिटल का शेयर मिलेगा, लेकिन रनिंग मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? सब पार्टनर, यानी ट्रांसफरी यानी असाइनी। नेक्स्ट, ये हमने पहले पढ़ा हुआ ना, ये पढ़ा हुआ कि नहीं? ड्यूटी नॉट टू साइन, लेकिन एक केस में कर सकता है, सारे पार्टनर राजी हो। ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस, हर पार्टनर की ड्यूटी है के लॉस को कंपनसेट करे, सिर्फ मुनाफे में हिस्सेदार ना हो, लॉस में भी हो, लॉस में भी हो, लेकिन अगर चाहें तो एग्रीमेंट के जरिए से इस प्रोविजन को चेंज कर सकते हैं। यानी मुमकिन है, क्या मुमकिन है? कि कोई पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार हो, लॉस में हिस्सेदार ना हो। देखिये, नॉर्मली पार्टनर जो होते हैं ना, प्रॉफिट और लॉस दोनों में हिस्सेदार होते हैं। अगर पार्टनरशिप में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो क्या है, तो क्या रेशो होती है? इक्वल, यानी हर पार्टनर प्रॉफिट में भी हिस्सेदार है, लॉस में भी हिस्सेदार है। अगर पार्टनरशिप में लिखा गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी 50-30-20, तो लॉस किस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसी रेशो से, 50-30-20। ओके, अगर पार्टनरशिप में लिखा गया है चार पार्टनर्स हैं, चारों इक्वल हैं, लेकिन मिस्टर डी लॉस शेयर नहीं करेगा, ऐसा पॉसिबल है? हालांकि नॉर्मली ड्यूटी सबकी है कि प्रॉफिट शेयर करें तो लॉस भी तो शेयर करें, लेकिन ये चूंकि क्वालिफाइड ड्यूटीज में लिखा हुआ है, इसलिए एग्रीमेंट में अगर ये तय पाया कि कोई एक पार्टनर लॉस शेयर नहीं करेगा, तो मतलब लॉस शेयर नहीं करेगा। इसको क्या नाम देते थे हम? पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, पार्टनर्स इन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पार्टनर प्रॉफिट भी शेयर करे, लॉस भी शेयर करे? क्या ऐसा पार्टनर अगेस पॉसिबल है कि सिर्फ प्रॉफिट शेयर करे, लॉस शेयर ना करे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ लॉस शेयर करे, प्रॉफिट ना करे? सिर्फ लॉस शेयर करे, प्रॉफिट ना करे, पॉसिबल है? पॉसिबल है। पार्टनरशिप के डेफिनेशन में लिखा हुआ था एग्रीड टू कंट्रीब्यूट, पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल आर एनी ऑफ देम। प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है भाई। हाँ, नॉमिनल पार्टनर हो सकता है, वो प्रॉफिट नहीं लेता था, प्रॉफिट, लेकिन वो लॉस भी नहीं लेता था, लॉस भी नहीं लेता था। और असल में हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो वसूली तौर पे पार्टनर नहीं है, शेयरिंग। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा पर्सन हो, जो ऐसा पार्टनर जो ना लॉस शेयर करे ना प्रॉफिट शेयर करे? पार्टनर नहीं होता। याद रखे, पार्टनर बनने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग लाजमी है, नहीं कंसर्ट बिल्ड हो रहा। फिर से बताइए कैसा पॉसिबल है कि कोई पार्टनर प्रॉफिट शेयर करे, लॉस भी करे? प्रॉफिट शेयर करे, लॉस नहीं? प्रॉफिट भी शेयर नहीं कर रहा, लॉस भी नहीं कर रहा? प्रॉफिट नहीं कर रहा, लॉस कर रहा है? अच्छा, ऐसा पॉसिबल है प्रॉफिट भी कर रहा है शेयर, लॉस भी शेयर कर रहा है, लाइबिलिटी नहीं कर रहा? अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी पर्सन पार्टनरशिप में हो जो लॉस शेयर कर रहा है लेकिन लाइबिलिटी शेयर नहीं कर रहा? ये केस स्टडी का सवाल। फिर से सुन लें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई पर्सन जो पार्टनरशिप में एडमिट हुआ हुआ है लेकिन वो लॉस शेयर कर रहा है, लाइबिलिटी शेयर नहीं कर रहा? पॉसिबल है, माइनर ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट। इनको लॉस होना, लॉस जाता है इनको, मैंने इसलिए वर्ड यूज किया था एडमिट,
एडमिट, इनको लॉस हो तो लॉस जाएगा, प्रॉफिट हो प्रॉफिट जाएगा, लेकिन इनकी लाइबिलिटी कोई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये पार्टनर नहीं होते। माइनर लॉस शेयर करेगा, क्या मतलब कैसे करेगा? जो प्रॉफिट हुआ होगा तो लॉस भी होगा, कैपिटल में से करेगा। एक मिनट, कहीं आप बेनिफिट का मतलब गलत तो नहीं समझ रहे? कहीं आप माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये तो नहीं समझ रहे कि उसको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस? ना 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 ना, बेनिफिट का मतलब ये नहीं है। बेनिफिट का मतलब है प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा, लॉस है तो लॉस होगा। तो फिर बेनिफिट कौन सा है? बेनिफिट ये है कि अगर लाइबिलिटी पे बात आई ना, तो इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। तो माइनर को बेनिफिट लाइबिलिटी में मिलता है, लॉस में नहीं मिलता। उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। लिमिटेड से मुराद के जितना उसका हिस्सा है ना फर्म में, उतना ही जाएगा, उसके घर से कुछ नहीं जाएगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यही ना कि घर से भी जाता है। नहीं समझ आए? नहीं, ये माइनर का टॉपिक पढ़ेंगे तब समझ आएगी। अभी हमने माइनर का टॉपिक, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा माइनर का टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा साइनिंग का टॉपिक, अभी तो सिर्फ बेस डेवलप कर रहा हूं। ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस, क्लियर हो गया? हर पार्टनर की ड्यूटी है कि लॉसेस को, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है इसमें कि एक पार्टनर ऐसा भी होता है जो लॉस शेयर नहीं करता। कौन सा होता है? पार्टनर प्रॉफिट होंगे। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर विलफुल निग्लेक्ट, जानबूझ के नुकसान पहुंचाया, जानबूझ के दूसरे पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया, उसने कहा अच्छा गोदाम में गया, नीचे आग लगा दी, उसने कहा ये लो मैं फसाद की जड़ी खत्म करता हूं जिसकी वजह से झगड़ा हुआ है पार्टनर, तो बताइए जो नुकसान हुआ विलफुल निग्लेक्ट की वजह से कौन भरेगा? पार्टनर। ये पार्टनर था भाई, इसको कहा जा बिजली का बिल जमा करवा के आओ, ये गया और रस्ते में घर चला गया, घर जाके सो गया, आज आखिरी तारीख थी, जुर्माना चार्ज लग गया। अब ये जो सर चार्ज है ये किसने पे करना है? पार्टनर ने कि सिर्फ इसने? क्यों बोला? विलफुल निग्लेक्ट है, जानबूझ के इसने निग्लेक्ट किया। ड्यूटी टू परफॉर्म डिलीजेंटली हिज ड्यूटीज, हर पार्टनर की जिम्मेदारी है कि अपनी ड्यूटीज बड़े ध्यान से अंजाम दे, सिवाय साइलेंट या स्लीपिंग पार्टनर के, क्योंकि इनकी ड्यूटीज इनको नॉर्मली नहीं देता। खासतौर से साइलेंट को आप आर्ग्यू हो सकता है करें, स्लीपिंग कर लें। स्लीपिंग पार्टनर ने कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने है, क्यों? वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, सोया बना, बाकी क्या क्या करेगा। ड्यूटी टू वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन, जब प्रॉफिट मिल रहा है तो रिम्यूनरेशन लेने की क्या जरूरत है? तो पार्टनर की जिम्मेदारी है कि प्रॉफिट लें और रिम्यूनरेशन के ऊपर नजर ना रखें, लेकिन अगर चाहें पार्टनर एग्री कर सकते हैं। क्या पार्टनर को सैलरी मिल सकती है? क्या पार्टनर को कमीशन मिल सकता है? क्या पार्टनर को इंटरेस्ट मिल सकता है? एक मिनट, कौन सा इंटरेस्ट मिल सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सा कब मिल सकता है? इंटरेस्ट ऑन लोन कब मिलेगा? अगर पार्टनरशिप साइलेंट है, पार्टनरशिप में इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन लोन किस हिसाब से मिलेगा? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। एक मिनट, आखिरी क्वेश्चन आज का, पहले बताइए बाकी के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए? एक एक ड्यूटी डिस्कस कर ली हमने, इसमें जहां जहां पे केस स्टडी इन्वॉल्व थी उसको एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस कर लिया, लेकिन आपको अभी सही समझ नहीं आई होगी। लॉ का असूल है, जब तक केस स्टडीज नहीं करते ना लॉ समझ में नहीं आता। तो इसीलिए जब तक घर जाके आप होम असाइनमेंट नहीं करेंगे ना, कन्फर्म है नहीं समझ आएगी आपको, कन्फर्म भूल जाएगा। तो आप भी, आपके कहने पे होम असाइनमेंट भी याद ही कर दी। क्वेश्चन 1-14, हाँ टेस्ट ऐसी वजह, बिल्कुल मुझे पूरा एहसास है, आज की रात आपके ऊपर बहुत भारी है। कैसे रहे जैसे सारी रात टेस्ट तैयार करना था, आधी असाइनमेंट कर दी है ना, इससे आधी नहीं हो सकते। 1-14 क्लियर? आखिरी क्वेश्चन, जो भाईजान ने ठीक बता दिया तो आपको छुट्टी, नहीं बताया तो आप भी इधर बैठे हैं, मैं भी इधर बैठा हूं। ये भाईजान बताएंगे, पार्टनरशिप में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं? तो हर पार्टनर, मेरा ये ख्याल है हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो विदाउट रिम्यूनरेशन काम करे, और पार्टनरशिप में कुछ भी नहीं लिखा हुआ
तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना चाहिए। बताइए क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और अगर मिलेगा क्या तो किस रेट पे? कोई नहीं बोलेगा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अच्छा, पार्टनरशिप में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% के हिसाब से। कंपनी को नुकसान हुआ, दूसरे पार्टनर कहते हैं कि 10 नुकसान हुआ ना, तो इस वजह से 10% ज्यादा है, 6% लॉ ने कहा हुआ है वो इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बताइए कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कोई भी नहीं इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? शाबाश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जरूरी है कि प्रॉफिट एग्रीमेंट में लिखा भी हो और प्रॉफिट भी हो। अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। शाबाश, चलिए क्लियर हो गया। आज की केस स्टडीज आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।